Hello children, welcome back to the channel. I hope you all are studying well. Today we will continue with the fourth part of the first chapter of Civics, that is the Union Parliament. Today's topic is the Powers and Functions of the Union Parliament. Uh, there are some important powers of the Parliament that we are going to discuss today. Uh, as you can see the screen, you can see there are certain powers mentioned in different

तो लॉ मेकिंग बॉडी इज लेजिस्लेटिव एंड द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज़ ऑन पार्लियमेंट हमने शेड्यूल सेवन पढ़ा था उसमें डिविजन ऑफ पावर पढ़ा था यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट तो हम यूनियन लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं पहले उसमें जो नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट वो यूनियन लिस्ट के वो आपके पार्लियामेंट के पास हैं और आ, Foreign affairs, atomic energy, defense, banking, currency, uh, highways, ports, railways, all these are in the hands of the uh, parliament. They make exclusive uh, laws for these subjects. ye hoge the uh, legislative power in the union list. Now, the parliament hai, wo, they can legislate 61 subjects of स्टेट लिस्ट आल्सो लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं किस कंडीशन में स्टेट लिस्ट के ऊपर वो लॉस बना सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर देश में इमरजेंसी लगी हो या प्रेसिडेंट रूल हो और या फिर स्टेट इमरजेंसी हो उस कंडीशन में भी अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स आ जाएंगे और दैट इज द पार्लियामेंट फिर टू और मोर स्टेट दे आस्क फॉर मेकिंग लॉ अगर दो से ज्यादा स्टेट अगर किसी लॉ बनाने के लिए रिक्वेस्ट uh, करें तो उस कंडीशन में भी उनकी रिक्वेस्ट मानी जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा देन इफ द स्टेट बिकम्स स्टेट लिस्ट बिकम अशनल इम्पोर्टेंस अगर नेशनल इम्पोर्टेंस बन जाती है एंड इट रिक्वायर्स टू फुलफिल द इंटरनेशनल कमिटमेंट उस कंडीशन में भी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट में नाउ द पार्लियामेंट अलोंग विद द स्टेट असेंबलीज दे कैन मेक लॉज ऑन फोर्टी सेवन सब्जेक्ट हमने कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा था जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके लॉज बनाती है तो इस कंडीशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी बात मानी जाएगी तो हमने ये देखा था कि तब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपर हैंड मिलता है और उन वो जो डिसाइड करते हैं वो फॉलो होता है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है एंड प्लीज इंश्योर दैट दीज ऑल पावर्स मेक द द पार्लियामेंट मोर पावरफुल और द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है ये साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि इन्ही कारणों की वजह से द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड यूनिटरी इन नेचर देन द स्टेट गवर्नमेंट तो कम फेडरल है और ज्यादा यूनिटरी है नेचर में नाउ द पार्लियमेंट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन द रेस्टिडरी सब्जेक्ट अब हमने तीन सब्जेक्ट पढ़े थे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन करेंट लिस्ट बट वी लेफ्ट द रेस्यूडरी लिस्ट अब जो रेस्यूडरी लिस्ट है वो क्या है ये बाद में एड हुआ है एंड इट इज नॉट मैं इन द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्ेंट लिस्ट इट कम्स अंडर अ सेपरेट लिस्ट अब इस लिस्ट में जो भी चीजें आएंगी जो भी सब्जेक्ट आएंगे उसपे भी ब्लॉज पार्लियामेंट uh, बनाएगी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें क्या आ सकता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स uh, का इतना uh, कोई स्कोप नहीं था और इतना कोई यू नो इट वाज नॉट देर इन इन द कंट्री और अब आईटी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं और देर आर लॉट ऑफ यू नो प्रोग्रेस इन दिस फील्ड सो देयर इज अ रीजन

और नो टैक्स कैन बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट जितने भी टैक्सेस हैं और जो भी पैसा है जो बजट है वो बिना पार्लियामेंट से पास हुए अप्रूव हुए यूज नहीं हो सकता उन उस पैसे का तो ये एक फाइनेंशियल पावर हो गई देन द पार्लियामेंट पासिस द यूनियन बजट जो बजट पास होता है उसमें पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है उसमें कहा पैसा खर्च होगा और कितना पैसा खर्च होगा वो सरकार तय करती है एक बजट बना के पेश करती है पार्लियामेंट में तो ये एक फाइनेंशियल पावर हो गई फिर जो सैलरीज और अलाउेंसेज होते हैं मिनिस्टर्स के और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि क्या सैलरी होगी क्या अलाउेंस मिलेगा तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर हो गई पार्लियामेंट की और जो लास्ट है द मनी बिल दैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा सो so, राज्यसभा में जाता तो है मनी बिल बट इट इफ द राज्यसभा डेंड इट बैक विद इन फोर्टीन डेज देन इट इज कंसिडर्ड टू बी पास बाई राज्यसभा एंड द लोकसभा हैज द पावर टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा तो वो पावर है मनी बिल की वो भी पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट में स्पेशली लोकसभा के पास है अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ इज राज्यसभा लेस पावरफुल और फॉर दैट मैटर लेट मी पुट इट दिस वे हाउ इज लोकसभा मोर पावरफुल देन द राज्यसभा तो ऑब्वियसली मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड दैट व्हाट मेक्स लोकसभा मोर पावरफुल धन द राज्यसभा तो ये क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाता है फाइनेंशियल पावर्स में देन कम्स द जुडिशियल पावर जुडिशियल पावर क्या है पार्लियामेंट हैज पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट एज वेल एज इम्पीच द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट मतलब उस, उनको हटाने के लिए जो प्रोसीजर है दैट इज दैट द हाउस हैज टू बी यू नो द मेंबर्स हैव टू सपोर्ट दिस बाय टू थर्ड मेजोरिटी दो तिहाई मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए तो ये एक जुडिशियल पावर है उनको अपॉइंट भी पार्लियामेंट करती है दोनों हाउसेस प्लस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स uh, उनको इलेक्ट करते हैं सॉरी नॉट अपॉइंट इलेक्ट एंड देन दे कैन इम्पीच ऑल्सो द प्रेसिडेंट नाउ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो रिमूव द जजेस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इफ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो दोषी पाए गए तो उनको हटाने का काम कर सकती है पार्लियामेंट तो ये हो गए जुडिशियल पावर दूसरा जुडिशियल पावर जो तीसरा पावर है पार्लियामेंट के पास टू मेक लॉज रिगार्डिंग द जूरिस्डिक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या जुरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का ये सब कुछ पार्लियामेंट तय करती है सो इट ऑल्सो क्रिएट्स कॉमन हाईकोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट अब ये पता होगा आई एम श्योर की कहा कॉमन हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा का एक हाईकोर्ट है प्लस नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनका एक हाईकोर्ट है सो कॉमन हाईकोर्ट भी क्रिएट करना ये उनके पास पावर है जुडिशियल पावर के रूप में पार्लियामेंट के पास है सो द जुडिशियल पावर अब आता है इलेक्टोरल पावर किसको वो इलेक्ट कर सकती है तो पार्लियामेंट अलोंग विद द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ये हमने डिस्कस किया था हटाने के लिए इंपीचमेंट के लिए आपको ये डिसोकेट दिस टू थर्ड मेजोरिटी बट फॉर अपॉइंटमेंट बोध द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द प्रेसिडेंट तो ये पावर हो गई इलेक्टोरल पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट अब वाइस प्रेसिडेंट को भी दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दूसरा इलेक्टोरल पावर हो गया प्लस जो लोकसभा है वो स्पीकर को इलेक्ट करती है और डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट करती है अपने ही मेंबर्स के बीच से वाइल राज्यसभा इलेक्ट्स द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द हाउस तो ये तीन पावर्स हो गई इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट अब आते हैं पावर्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संशोधन चेंजेस करना हो अगर संविधान में तो कैसे कर सकते हैं तो पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज हैपन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कोई एक हाउस चाहे तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता है दोनों हाउसेज के लोगों की रजामंदी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी क्लॉज में अमेंडमेंट करने के लिए नाउ However, if a bill इफ अ बिल इज फॉर अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन the हाउस ऑफ द पार्लियामेंट total मेजोरिटी ऑफ टोटल टू थर्ड है तो किसी भी हाउस में बिल अमेंडमेंट का इनिशिएट किया जा सकता है ऐसा नहीं है लाइक द मनी बिल विच हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा तो अमेन्डमेंट का बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए मेंबर्स uh, की फॉर द वोटिंग वोट करना होता है और तब जाके अमेंडमेंट के लिए शुरुआत होती है नाउ इन सम केसेस अमेंडमेंट नीड्स रेटिफिकेशन लाइक फ्रॉम हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट कुछ केसेस में सर्टेन केसेस में लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी रिकमेंड क्या कहते हैं कंसेंट चाहिए होता है टू डू द अमेंडमेंट तो ये हो गई पावर्स ऑफ द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कम्स द पावर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करते गवर्नमेंट तो की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो है एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड हिस्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट तो पार्लियमेंट कैसे उनको कंट्रोल करती है उनके पास ऐसी कौन सी पावर्स है जिससे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है तो पहला है इंक्वायरी द पार्लियामेंट कैन आक क्वेश ट गवर्नमेंट अबाउट इट पॉलिसीज एंडफॉर्मेंसेज जैसे कि क्वेश्चन आर्स होते हैं जीरो आर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंक्वायर किया जा सकता है अबाउट द वेरियस पॉलिसीज और रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो वो एक तरीका है वो एक पावर है पार्लियामेंट के पास टू तो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव जब जवाब देना होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी तो वो आप काम सही ढंग से करेंगे नेक्स्ट इज द मोशन ये भी हम पढ़ चुके हैं द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग द मोशन टू ब्रिंग मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको पब्लिक अर्जेंटली एड्रेस करना है तो जो काम है जो बेसिक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनको साइड में रख के इन मैटर्स पे डिस्कशन होगा वी नीड दे नीड 50 मेंबर्स टू सपोर्ट दिस अजोमेंट मोशन नाउ कम्स द सेंसर मोशन नाउ सेंस ऑफ मोशन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है मोरलेस दोनों ही ऑपोजिशन की तरफ से आता है बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो ऑपोजिशन है वो ये देखती है कि सरकार के पास अभी भी मेजोरिटी है कि नहीं अदरवाइज दे पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड इन दैट केस द होल ऑफ द मिनिस्ट्री और द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन वेर एज इन सेंसर मोशन द पार्लियामेंट ब्रिंग्स द सेंसर मोशन ओवर सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सर्टेन पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करती है ऑपोजिशन और उसके अगेंस्ट वो आ, बात करती है तो ये डिफरेंस है बिटवीन सेंसर मोशन एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेजोरिटी चेक की जाती है कि आपके पास अभी भी बहुमत है कि नहीं है और यहाँ पे जो सर्टन पॉलिसीज हैं सरकार की उस, उसको आ, क्रिटिसाइज किया जाता है या उसको क्वेश्चन किया जाता है सो दैट इज कॉल्ड सेंसर मोशन नाउ कम्स द मॉनेटरी कंट्रोल द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग आउट मोशन ड्यूरिंग द बजट सेशन टू डिसअप्रूव एनी मॉनेटरी पॉलिसीज पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर सरकार कोई ऐसा बजट पास कर रही है जिसमें कोई ऐसी मॉनिटरी पॉलिसीज है जिसके फेवर में नहीं है लोग तो पार्लियामेंट उसको डिसप्रूव uh, कर सकती है एंड देन द गवर्नमेंट हैजू सीन टू इट दट हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड अफकोर्स पार्लियामेंट के पास पावर है टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पूरा हिसाब किताब रखती है देश का उनके भी अकाउंट्स को वो चेक कर सकती है एग्जामिन कर सकती है उन जो भी रिपोर्ट वो बनाते हैं तो दैट पावर ऑल्सो लाइज इन दैंड ऑफ द पार्लियामेंट सो दिस इज द पावर्स टू कंट्रोल द पार्लियामेंट हैज द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा जो एक्सक्लूसिव पावर्स है लोकसभा की उसमें सबसे पहले आता है दैट ओनली लोकसभा कैन वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट इन द बजट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूज इन द लोकसभा तो जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं That has to be presented in the form of money bill has to be introduced in the Lok Sabha, and Lok Sabha members can only vote on the demand for the grant in the budget. So that is very important and special power of Lok Sabha. Now the Council of Ministers is collectively responsible only to the Lok Sabha. Council of Ministers hai? we discussed about the composition of Lok Sabha. Composition me क्या था uh, लोकसभा का जो कॉम्पोजिशन था वो था 550 एंड आउट ऑफ 550 272 टू सीट्स दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इफ इट गोज टू एनी पर्टिकुलर पार्टी तो वो पर्टिकुलर पार्टी सरकार बनाती है गवर्नमेंट फॉर्म करती है और जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है तो इसी गवर्नमेंट में से कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं ठीक है इनकी एक मिनिस्ट्री तैयार होती है ठीक है तो जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अगर आ, वोट आउट करना है ऑफिस से तो ये काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स का कोई रोल इसमें नहीं होता है ना ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट लाइक वी डिस्कस्ड दैट ऑल द काइंड ऑफ मोशन उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हमने बात किया था कि कैसे अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है और ऑपोजिशन को ये लगता है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही पास कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का कोई रोल उसमें नहीं होगा ना

दोनों हाउसेस की राज्यसभा की और लोकसभा की जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उस कंडीशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो स्पीकर होंगे ना कि चेयरमैन होंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है लोकसभा के स्पीकर है तो वो प्रिसाइड uh, करेंगे दोनों हाउसेस की मीटिंग को दोनों दोनों सदनों की मीटिंग्स को स्पीकर uh, उनके प्रिसाइड करेंगे ना कि चेयरमैन अब आ जाते हैं इफ देर इज अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर द ऑर्डिनरी बिल तो उस कंडीशन में कौन से हाउस की ओपिनियन मैटर करेगी तो द बिल ऑफ द लोकसभा नॉर्मली प्रिवेल्स रीजन क्या है बिल ऑफ द लोकसभा रीजन ये है कि राज्यसभा में 250 फिफ्टी मेंबर्स हैं लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं क्योंकि इनकी मेजोरिटी ज्यादा है तो इनक, इनका इनका ओपिनियन मैटर करेगा जो बिल इन्होंने पास किया है नॉर्मली वो प्रिवेल करता है जबकि ज्वाइंट सिटिंग होती है प्रेसिडेंट बुलाते हैं डेडलॉक uh, को रिजोल्व करने के लिए बट Since their strength is more as compared to Rajya Sabha, so the bill of the Lok Sabha normally prevails. That is the special and uh, uh, special powers of the Lok Sabha ke kuch special powers has special and exclusive powers of Rajya Sabha, so the parliament can assume temporary power to legislate on stateless subjects. टिकल टू फोर्टी नाइन ओनली इफ राज्यसभा पास्यूशन अब राज्यसभा का क्या रोल है स्टेट लिस्ट में यह रोल है कि राज्यसभा के मेंबर्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट से चुन के आते हैं इसलिए इफ देयर हैजू बी एनी चेंजेस इन द स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट मान लो निकाल के आपको यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में भेजना है डालना है तो उस कंडीशन में राज्यसभा राज्यसभा हैज टू रेजोल्यूशन एंड स्पेशली इट हैजू बी सपोर्टेड बाय टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तो ये पावर है राज्यसभा के पास आल्सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जब इमरजेंसी लग जाती है और इफ उस कंडीशन में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है लाइक वी नो दैट लोकसभा डिजोल्व आफ्टर एवरी फाइव ईयर वो तो नॉर्मली डिजोल्व होती है बट इन केस ऑफ एमरजेंसी सपोज इफ लोकसभा डिजोल्व In that condition, Rajya Sabha becomes effective. Raj, Rajya Sabha takes over Lok Sabha uh, because it is the permanent house. We have also studied how a two -third, uh, uh, one third member retire after every two years, and uh, that makes Rajya Sabha a permanent body because it never gets dissolved. So, this power hai. राज्यसभा के पास नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसमें की आई एस आई पी एस इंडियन फॉरन सर्विस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये सारे जो सर्विसेज हैं दे कैन ओनली बी स्टेब्लिश्ड बाय राज्यसभा इफ इट पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट उसके लिए राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है विच इज अगेन इट हैज टू बी सपोर्टेड बाई टू थर्ड द Rajya Sabha present and voting. So these are the exclusive powers of Rajya Sabha. That brings to the end of the chapter. Thank you, everyone.